नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं 5 मिनट में देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरें। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा सितंबर अक्टूबर तक शुरू हो सकता है बच्चों का टीकाकरण। डेल्टा प्लस के खतरे का अंदाजा लगाना होगा मुश्किल, चिंतित हुआ सरकारी अमला। पूरी दुनिया में 205 केस। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से रोज बन रहे नए रिकॉर्ड, मुंबई में 103 रुपए पहुंचा एक लीटर तेल का भाव। नाबालिग से दुष्कर्म का मामला, मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कहा पुलिस भरोसे के लायक नहीं, सीबीआई करे जांच। आंध्र प्रदेश सरकार 12वीं की बोर्ड परीक्षा कराने पर अड़ी, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को दी बड़ी राहत, 3 माह तक के बकाए पर भी नहीं कटेगा कनेक्शन। सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलकर डॉक्टर संजय निषाद ने रखी मांगे, कहा भाजपा बड़ा और निषाद पार्टी छोटा भाई। उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल की 5 बटालियन गठित, सेना नायकों को मिला अतिरिक्त प्रभार। मेरठ में गेहूं तौल बंद, भाकियू कार्यकर्ताओं ने थाने का किया घेराव, आग लगाने की दी चेतावनी। जल्द खुलेंगे यूपी बोर्ड के स्कूल व कॉलेज, 70% अभिभावकों ने जताई सहमति। नीरव मोदी को लगा करारा झटका, ब्रिटेन के हाईकोर्ट ने प्रत्यर्पण रोकने संबंधी याचिका को किया खारिज। एससीओ देशों ने लिया आतंकवाद कट्टरवाद के खिलाफ सहयोग करने का संकल्प, डोभाल और पाक एनएसए भी रहे मौजूद। महारानी एलिजाबेथ ने ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री के लिए सहानुभूति व्यक्त की, कोरोना को हैंडल करने पर सुनाई जा रही खरी खोटी। कोरोना के खिलाफ चीन की दवा दे गई दांव, चीनी वैक्सीन लेकर भी दुनिया के कई देश संक्रमित। चीनी विदेश मंत्रालय ने वुहान लैब के लिए मांगा नोबेल, कहा जीनोम सीक्वेंसिंग करने पर मिले सम्मान। न्यूजीलैंड के 3 खिलाड़ियों ने तोड़ा भारत का सपना, टीम को दिलाई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ट्रॉफी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन बनी न्यूजीलैंड की टीम को मिला 12 करोड़ रुपए का इनाम, भारत पर भी बरसा धन। विकास कृष्णन पुरुष बॉक्सिंग में देश की सबसे बड़ी उम्मीद, लगातार 3 एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाले एक लौते भारतीय मुक्केबाज। बीजे वॉटलिंग का संन्यास, न्यूजीलैंड को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन बनाकर क्रिकेट को कहा अलविदा। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति बनाई गई, पूर्व वेट लिफ्टर, ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली महिला है कर्णम मल्लेश्वरी। कार्तिक आर्यन ने अपनी नई फिल्म सत्यनारायण की कथा का किया ऐलान, श्री राम राघवन की फिल्म पर कटरीना कैफ ने शुरू किया काम। विजयशांति का जन्मदिन आज, साउथ की फिल्मों को लेडी सुपरस्टार कहलाती है विजयशांति, बॉलीवुड से लेकर राजनीति तक में बनाई पहचान। 518 फिल्में कर चुके अनुपम खेर को शख्स ने पहचानने से किया इनकार, एक्टर बोले मैं चुल्लू भर पानी में डूब सकता हूं। केआरके ने कोर्ट की फटकार के बाद खोला नया यूट्यूब चैनल, मीका सिंह को जमकर दी गालियां।
साइकिल पर अंडा और ब्रेड बेचने निकले सोनू सूद, होम डिलीवरी के लेंगे एक्स्ट्रा पैसे। पांच पच्चीस में फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे।